أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم आयत का तर्जमा ये है बेशक अल्लाह ताला इस बात को न बख्शेंगे कि उनके साथ किसी को शरीक करार दिया जाए और उसके सिवा और जितने गुना हैं जिनके लिए मंजूर होगा वो ना वो गुनाह बख्श देंगे और जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराता है वो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा तो पिछले दर्स में रसूल सल्लाम की मुखालफत करने वाले और मुसलमानों का रास्ता छोड़ कर दूसरा रास्ता इख्तियार करने वालों की सज़ा का बयान था अब सबसे बड़ी मुखालफ़त का ज़िक्र होता है कि रसूल की जो सबसे बड़ी मुखालफ़त है और मुसलमानों से जो सबसे अलीहदा और जुदागाना रास्ता है वो है शर्क का रास्ता है उसका बयान है इसलिए शिरक और एहल शर्क की मजम्मत के साथ इनका अंजाम इस आयत में बयान फरमाया जा रहा है आयत के शान नजूल जहाँ जिक्र किया जा रहा है अगरचे हर आयत के शान नजूल का जिक्र करना कोई ज़रूरी नहीं होता लेकिन चूँकि मुफसरीन ने शान नजूल जिक्र किया होता है तो फिर लिख दिया जाता है और बता दिया जाता है ताकि चलो एक वाकफियत हो जाए शान नजूल की कुछ आयात ऐसी होती हैं जो बग़ैर शान नजूल के सही समझ में नहीं आती क्योंकि आयात के अंदर इशारात होते हैं या वाक़ा पूरा आयात के अंदर जिक्र नहीं किया जाता चूँकि कुरान पाक के अंदर नसीहत की बातें हैं और यहाँ मखसूद किस्से कहानियाँ तो हैं नहीं इस वजह से पूरी बात नकल नहीं की जाती बाफ़ा तो शान रजूल का इल्म हो तो फिर आयत पूरे तरीके से जहन नशीन हो जाती तो यहाँ हज़रत इबन अब्बास रजी अल्लाह तन से मनक़ूल है इसका शान नजूल कि एक बूढ़ा अरबी शख्स आप की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज किया या रसूल्ला मैं गुनाहों में गर्क एक बुढ़ा हूँ लेकिन मैंने जब से होश संभाला है तो अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया बल्कि इस पर ईमान लाया हूँ और इसके सिवा कभी किसी को कारसाज नहीं समझा और ना मैंने कभी एक लम्हा के लिए ये ख्याल किया कि मैं अल्लाह से बचकर कहीं भाग कर जा सकता हूँ अब आप फरमाएँ कि मेरे लिए क्या हुक्म है उस वक़्त आयत नाजिल हो गई तो शिरक तो चूँकि उसने नहीं किया था तो इसमें वाज बता दिया गया कि शिरक तो मुआफ़ कभी नहीं होगा अल्लाह ताला कभी शिरक को मुआफ़ नहीं करेंगे उसके अलावा जो चाहेंगे तो बहर इस आयत में साफ़ और वाज तौर पर फ़रमाया गया कि शर्क के साथ अगर कोई मरा है और ज़िंदगी में इसने तोबा नहीं की और शिरक पर ही मर गया तो ये जुर्म ऐसा है जिसकी मफफ़रत कभी नहीं हो सकती और इसके अलावा दूसरे गुनाहों से मफ़रत हो सकती है अब मफ़रत की फिर भी दो शक्लें हैं तोबा के साथ या बिला तोबा तो तौबा के साथ तो है ही है इंशाल्लाह शिला तोबा के भी मफ़रत हो सकती है मगर बिला तोबा के जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेंगे या फिर मादो नदालय याषा जिस जिसके लिए अल्लाह चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे यानी बग़ैर तोबा के भी तो ये अल्लाह ताला की मशीयत पर मकूफ़ हो गया वो चाहें तो बग़ैर किसी सज़ा के बिल्कुल ही माफ़ कर दें और चाहें तो थोड़ी बहुत सज़ा देकर फिर माफ़ कर दें तो बाकी गुनाहों के बारे में भारत ये इम्कान है कि माफ़ी मिल जाए मगर शिरक और कुफर की सज़ा हमेशा हमेशा की है अबदी है दायमी है और कभी इससे छुटकारा नहीं होगा सज़ा से और सज़ा भी जानना मैं बहुत मुश्किल जगह है बहुत तकलीफ़ की जगह है तो इसकी वजह क्या है कि शर्क भी तो गुना है और दूसरे मासी भी तो अल्लाह ताला के नाफ़रमानी हैं वो भी गुना ही हैं तो फिर शर्क की माफ़ी नहीं है और बाकी गुनाहों की माफ़ी मुमकिन है तो वजह इसकी ज़ाहिर है कि तोहीद जो है अकली तौर पर भी और नकलन भी जी ये इसका अकीदा रखना हमेशा के लिए वाजिब है और शिरक और कुफर हकीक़त में ये अल्लाह ताला की बगावत है और साने आलम की तोहीन है मसलन बादशाह एक हो तो उसी की सल्तनत में कोई दूसरा शख्स दूसरे, दूसरे बादशाह को बादशाह मानना शुरू कर दे और उसको बादशाह बना ले तो वो बागी शुमार होता है और उसको कभी नहीं छोड़ा जाता जब तक बगावत का क़ायम है क्योंकि उसने बादशाह की तोह की है तो इस तरह अल्लाह ताला के को शरीक मानना ये भी दर हकीकत बगावत है और अल्लाह ताली की तोहन है इसलिए कुफ्र शर्क दोनों नाकबिल माफी जुर्म समझे गए हैं और दूसरे तमाम गुनाह शर्क वकफर से कम दर्जे के समझे गए इसलिए बग़ैर तोबा के भी वो दूसरे गुनाह काबिल माफी हैं बाकी बिला तोबा की क़ैद इसलिए लगाई है कि तोबा से तो सौ साल का कुफर शिरक भी एक मिनट में माफ़ हो जाता है मसल जो आदमी ज़िंदगी भर शिरक करता रहा लेकिन मौत से पहले पहले मौत की अमत जिन्हें सकरात से पहले पहले अल्लाह ने उसको समझ दे दी और वो शिरक़ से तायब हो गया और ख़ालस का किदा अपना लिया और सही ने हक़ को कबूल कर लिया तो उसके सारे चाहे वो दो सौ साल का है चार सौ साल का है हज़ार साल का है तब भी वो फफर शिरक जितने करता रहा है, वो सब के सब तोबा के साथ तो माफ हो जाएंगे यह मखसूद मकफ़रत जो है नकफ़र मादो नजाल कलम शाह ये बग़ैर तोबा के मगफरत का मसला बताया जा रहा है किफ़र शर्क से नीचे दर्जे के जो गुनाह हैं चाहे सगीरा हूँ या कबीरा वो सब बिला तोबा के भी काबिल मगफरत हैं मगर ये है कि अल्लाह ताला के मर्जी की मर्ज़ी पर मौकूफ़ हैं चाहे बग़ैर किसी सजा के माफ़ कर दें या चाहे सजा देकर माफ़ कर दें जैसे अभी मजकूर हो गया हो गया ऊपर तो बहरहाल शिरक जो है ये मौत से पहले पहले इसे तौबा कर ले तो फिर तो माफ़ी शिरक के भी और गुनाहों की भी हो जाती है लेकिन बग़ैर तोबा के मर गया तो फिर शिरक की कभी माफ़ी नहीं और दूसरे गुनाहों की माफ़ी का इम्कान है अगर कोई आदमी शिरक तो नहीं किया उसने लेकिन गुनाह दूसरे सरजद हुए और तोबा नहीं की मर गया तो उसका मामला अल्लाह के सपोर्द है वो चाहें तो माफ़ करें चाहें तो सजा दें बाकी शिरक कहते किस को हैं तो शिरक असल ये है कि अल्लाह की जो ख़ास सिफात हैं अल्लाह की जात में तो अल्लाह की ज़ात में अल्लाह जैसा कोई और खुदा मानना या अल्लाह ताला की कोई सिफत गैर के अंदर मानना अल्लाह ताला की सिफत है खालक है मालिक है राज़िक है ये तमाम कायनात का कारसाज़ है हाजतें पूरी करने वाला है माफोक उसबाब सारे काम वही करने वाला है तो अगर ये सिफतें किसी और में मानना शुरू कर दी किसी और को मालिक को खालिक बनाना शुरू कर दिया या किसी और से क्या अपनी माफोक अस्बा हाजा मांगना शुरू कर दी ये इसी तरीके से किसी को मुतरफ और कारसाज़ अल्लाह के अलावा बनाना शुरू कर दिया तो यही शिरक है क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत थी ये तो उसने मखलूक में इस सिफत को क्या है माना है इस वजह से वो शिरक हो जाएगा तो इसलिए शर्क बहुत बड़ा जुर्म है बहुत बड़ा जुर्म है इस जैसा जुर्म और कोई है ही नहीं जी तो इस वजह से इंसान को पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए जी कि किसी किस्म की ऐसी उसकी आदत या बात न बने जिसकी वजह से शिरक लाजिम आ जाए जी जैसे आज कल कौम जो है अहले इस्लाम बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे ऐसे अमाल और ऐसे रसूमात कबिया करते हैं जिसमें शिरक़ का इरतक हो जाता है जी गैरुल्ला को सच दे करते हैं गैरुल्ल को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ कर उनको पुकारते हैं उनसे हाजते मांगते हैं जी तो ये ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं शिर्क की हकीकत क्या है जी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क की सही हकीकत समझ कर उसको छोड़ने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा नसीब फरमाए और हमें श के, के अफल से शिर शिर अकवाल से शर की आदात से शिर बातों से हम सब की हिफाजत फरमाए और सही तवहत के रास्ते पर हमें क़ायब तय रखे आमीन वखरुदावाना अनहमद लाबीआलमी